कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। इकतालीस नंबर बड़े अल्लुया पावर पॉइंट में 718 पावर पॉइंट का 718 मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। अच्छा चरवा तू है मेरा, तेरे पीछे हरदम चलूंगा। अच्छा चरवा तू है मेरा, तेरे पीछे हरदम चलूंगा। मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। नाम लेकर बुलाया तूने, पवित्र सेवा दिया है मुझे। नाम लेकर बुलाया तूने, पवित्र सेवा दिया है मुझे। मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। तू मेरा बाग, तू मेरा धन, तू मेरा ज्ञान, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा बाग, तू मेरा धन, तू मेरा ज्ञान, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा बाग, तू मेरा धन, तू मेरा ज्ञान, तू मेरा सब कुछ। मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा, मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। तू मेरा हाथ कभी ना छोड़ेगा, तू मुझे कभी ना त्यागेगा। सब कुछ त्यागेंगे, सब लोग त्याग देंगे, लेकिन प्रभु आप मुझे नहीं त्यागोगे। कभी ना छोड़ेगा, तू मुझे कभी ना त्यागेगा। तू मेरा कभी ना छोड़ेगा, तू मुझे कभी ना त्यागेगा। मैं कभी नहीं लूंगा, कभी ना डरूंगा, मैं कभी नहीं लूंगा, मैं कभी ना डरूंगा। अच्छा चरवा तू है मेरा, तेरे पीछे हरदम चलूंगा। मैं कभी नहीं लूंगा, मैं
कभी ना डरूंगा मैं, कभी ना हिलूंगा मैं, कभी ना डरूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। हालेलुया, हालेलुया। गाना गाएंगे 869, पावर पॉइंट का 869 गाना है। तेरे बेकयास शफ़क़त मुझे मुफ्त में मिली है। 869 मुझे मुफ्त में क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बच्चा लहू से तेरे तेरे गाऊं, मैं बच्चा लहू से तेरे। सब मिलके क्यों न गीत तेरे गाऊं, मैं बच्चा लहू से तेरे। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे कोन के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे कोन के लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। मेरे जिंदगी थी काली, मेरे मन था एक सवाली। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। मेरी जिंदगी थी काली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जानकर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तेरा शुक्र वो मसीहा तेरे फसल के लिए। मेरी जिंदगी थी काली, मेरा मन था एक सवाली। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली। तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना, तुझे जान कर मसीहा नहीं और कुछ तमन्ना। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे फसल के लिए। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे फसल के लिए।
मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया, मुझे तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया, आलहुबा के अपना मेरे पाप को मिटाया, मेरे मीत मेरे हमदम, मेरे गम दुखों के साथी, मेरे मीत मेरे हमदम, मेरे गम दुखों के साथी, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे रहम के लिए, तूने मुझे बनाया, सब मिलके तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो तेरे प्यार के लिए, धन्यवाद प्रभु, तेरे शुक्र हो प्रभु, तेरा धन्य हो प्रभु, तू धन्य है, परम धन्य है, तू पवित्र है, परम पवित्र है, तू धन्य है, परम धन्य है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका, वो मुझे बोझ भवन में ले जाता है, आज आपको पवित्र भवन में लेकर आए हैं, बोझ भवन में, हालेलुया, धन्यवाद करें, हालेलुया, स्तुति करें, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। 717 मुझे बोझ भवन में ले आया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। के गाना गाएंगे, मेरा प्रेमी मेरा है। आज हमारे लिए हम सोचते हैं मैं सेवा करूँ, मैं ये भागूँ, ये करूँ, लेकिन परमेश्वर आपको बोलते हैं उसके उसके गोद पर बैठना है, उसका प्रेम को चखना है, उसका छाती पर झुककर उसका आनंद उठाना, प्रभु का प्रेम में आनंद उठाना, तभी सेवा कर पाएंगे। सेवा भागदौड़ी से नहीं होता है, ना बल से ना ताकत से, प्रभु की आत्मा से होगा, प्रभु के प्रेम से होगा। प्रभु के सम्मुख में बैठेंगे, प्रभु का प्रेम का स्वाद चखेंगे। मैं प्रभु का हूँ, मैं सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे प्रभु प्रेम करेगा, नहीं, प्रभु मुझे प्रेम कर रहे हैं इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। वो मेरे पास आता है, हर रुकावट को पार करके प्रभु जी आपके पास आते हैं। आज देखो इस माध्यम से भी हम लोग आ गए हैं, मिल रहे हैं, प्रभु का आवाज़ पहाड़ों के ऊपर भी आ रहा है,
कितनी दूर से आप लोग प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हो, मेरा प्रेमी आ रहा है पहाड़ों से पार हो करके। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। यहाँ पर गाना का प्रसन्न किया विपुल भाई ने, दे करके गा सकते हो, अपना स्क्रीन पे मिलेगा। मेरा प्रेमी मेरा है, मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। 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 मुझे बोझ भवन में ले आया और प्रेम का झंडा लहराया। मुझे बोझ भवन में ले आया और प्रेम का झंडा लहराया। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा प्रेम मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। मुझे बोझ भवन में ले आया और प्रेम का झंडा लहराया। मुझे बोझ भवन में ले आया और प्रेम का झंडा लहराया। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। आ रहा है वो पहाड़ों से पार होकर, बुला रहा है मुझे अपने करीब। आज इस दूर से भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, प्रभु की आवाज़ आपको बुला रहा है। मेरे करीब आना, मेरे गोद पर बैठना, मेरे सीने से लगाना, मेरे छाती पर झुकना। योहन्ना जैसे चेला यीशु मसीह को प्रेम करता था, हमेशा यीशु मसीह के छाती पर झुके हुए रहता था, उसके घर करीब रहता था। आज प्रभु आपको अपने करीब बुला रहे हैं। भले आप सेवा किए नहीं भी किए होंगे, आप प्रभु से दूर चले गए होंगे, प्रभु का प्रेम आपको बुला रहा है। आ रहा वो पहाड़ों से पार होकर और बुला रहा मुझे अपने करीब। आ रहा वो पहाड़ों से पार होकर और बुला रहा मुझे अपने करीब। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। 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 छाया में उसके होता मगन, उसके छत्र छाया में, उसके पंखों तले, उसके लहू के अंदर, उसके वचन के अंदर, उसके कसंगति के अंदर, उसके कलिसिया के अंदर, उसका पवित्र उपस्थिति के अंदर मैं मगन हो जाऊंगा, उसमें रहना चाहूंगा, उससे बाहर नहीं जाना चाहूंगा। मैं छाया में उसके होता मगन और उसका प्रेम फल को खाता रहूंगा। उसका प्रेम फल बहुत मीठा है। मैं छाया में उसके होता मगन और प्रेम फल उसका मीठा है। मैं छाया में उसके होता मगन और प्रेम फल उसका मीठा है। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसका हूँ। 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 मेरे साथ प्रभु का आराधना करना, हालेलुया। तू मेरा है प्रभु, मैं आपका हूँ। दूर चला गया होगा
ठोकर काया होगा, गिर गया होगा, उठ जाओ, प्रभु का प्रेम बुला रहा है। मेरे सारे भाई लोग बहन लोग, प्रभु आपका प्रेम कर रहे, प्रभु का प्रेम अटल है, प्रभु का प्रेम शरद बगर है, प्रभु का प्रेम अनोखा है, प्रभु का प्रेम महान है, महान प्रेम से प्रेम किया। हालेलुया, कल हम गाना गए, तूने किया अनोखा प्यार, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं प्रभु, तेरे प्रेम महान है, तेरा प्रेम महान है, तूने किया अनोखा प्यार। हालेलुया, हमारा पावर पॉइंट का 748 नंबर गीत, तूने किया अनोखा प्यार, कैसे मैं वर्णन करूं, तेरा प्रेम में बढ़ना है, तेरे प्रेम में बढ़ना है। 748 748 पावर पॉइंट का गाना, तूने किया है अनोखा प्यार, कैसे मैं वर्णन करूं, प्रेम की आत्मा तूने उंडेला मेरे हृदय में, तूने किया है अनोखा प्यार, कैसे मैं वर्णन करूं, प्रेम की आत्मा तूने वुंडेला मेरे हृदय में, तेरे प्रेम से बढ़ना है, तेरे प्रेम में बढ़ना है, तेरे प्रेम में चलना है, तेरा प्रेम मुझसे बहना है, आसमान से ऊंचा समुंदर से गहरा प्रेम तूने मुझसे किया, हाथों में तेरे करता समर्पण, आत्मा शरीर और प्राण, आसमान से ऊंचा समुंदर से गहरा प्रेम तूने मुझसे किया, हाथों में तेरे करता समर्पण, आत्मा शरीर और प्राण, तेरे प्रेम से बढ़ना है, तेरे प्रेम में बढ़ना है, तेरे प्रेम में चलना है, तेरा प्रेम मुझसे बढ़ा, जीवन दिया तूने मेरे खातिर, क्या प्यार अपरंपार, मिल जाए चाहे सारा संसार, इस प्रेम की तुलना नहीं। जीवन दिया तूने मेरे खातिर, क्या प्यार अपरंपार। हालेलुया, धन्यवाद करो प्रभु को, स्तुति करो, मिल जाए चाहे सारे संसार, इस प्रेम की तुलना नहीं। प्रभु जी, मैं तेरे प्रेम का दीवाना हो जाता हूँ, तेरे प्रेम के आदीन हो जाता हूँ, तेरे प्रेम के बदले मैं आपको प्रेम करता हूँ। धन्यवाद करो प्रभु, मैं आपको प्रेम करूँगा, प्रेम से बढ़ूँगा, प्रेम से चलूँगा, प्रेम से बोलूँगा, प्रेम से गीत गाऊँगा, प्रेम से सेवा करूँगा, प्रेम हृदय से। धन्यवाद, 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 पूरा बरा बरा दूरा बरा 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 बरा, सब लोग स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, सब हटाएगा। 120 नंबर गीत पावर पॉइंट का, जैसा माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। 120 नंबर का गीत है, जैसे माता संभालती है
वही शिशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 120 नंबर। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है जैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायलवा मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायलवा मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करो। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु जी, सुबह के समय में हमारा वचन, हमारा गीत, हमारा सोच, हमारा बोल, हमारा काम तुझे खुश करें। इस ढंग से प्रभु हम अपना आप को समर्पण करते हैं। प्रार्थना करना है, कोई भी वचन मनन करने जा रहे हैं। मसीह यीशु में, मसीह यीशु में, यही आज मनन करने जा रहे हैं। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, हम लोग यीशु मसीह में धर्मी है। यीशु मसीह में हम पवित्र है। यीशु मसीह में हमारा उद्धार है। यीशु मसीह में हमारा उद्धार है। यीशु मसीह में हम अनंत जीवन है। तो आज इस ढंग से मैं वचन बताना जा रहा हूँ, और प्रभु का कृपा हो, अनुग्रह हो, फुर्सत हो, ज़रूर हम और भी वचन देखेंगे। मसीह मुझ में है, वो वचन को हम लोग सोमवार का दिन को देखेंगे। क्राइस्ट इन मी, मसीह मुझ में है, वो वचन को सोमवार को देखेंगे। अभी हम देखेंगे मसीह में मैं हूँ, मसीह में मैं हूँ। इस ढंग से आपको समझना चाहिए, मसीह में, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में अनंत जीवन। इन क्राइस्ट, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। ये मसीहत की, ये मसीहत जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। काफ़ी मसीह लोगों को मालूम नहीं है, वो अलग दायित्व के सोचते हैं मसीहत को, एक रीति रिवाज नहीं तो एक धर्म के रूप में, एक कानून के रूप में देखते हैं।
लेकिन ये एक रिश्ता के आधार पर है, एक रिश्ता के आधार पर मसीहत जीवन चलता है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, तो इन क्राइस्ट और क्राइस्ट इन मी, मैं मसीह में हूँ। आज उस ढंग से वचनों को हम देखने जा रहे हैं। पहले एक एक वचन को पढ़ेंगे, वचन से सीखेंगे कैसे मसीह हम में आ गया है, हम कैसे मसीह में आ गए हैं। जब हमने विश्वास किए हैं, जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार का संदेश सुना है, क्या हो गया है, परमेश्वर ने हमें मसीह में हमें रख दिया है, मसीह के अंदर हमको देख रहा है, मसीह के अंदर परमपिता ने हमको रख दिया है, मसीह का शरीर बन गए हम लोग, मसीह में जुड़ गए हैं, मसीह का शरीर में हमारा बपतिस्मा हो गया है, मसीह में आ गए हैं। मेरे भाई बहन बच्चों लोग, आप मसीह से बाहर नहीं हैं, मसीह से अंदर है, मसीह के अंदर है, मसीह के अंदर आपका जीवन सुरक्षित है, मसीह के अंदर आपका जीवन प्रेमी है, मसीह के अंदर आपका जीवन पवित्र है, मसीह में। आप बोलेंगे अरे वो सेवक पावर वाला, ये पावर वाला है, वो पावर वाला है, कोई पावर वाला नहीं है, मसीह पावर वाला है, मसीह हमारा में है, मसीह आप में है। अगर आप नया जन्म पाए हैं, यीशु मसीह में नया जीवन मिलता है, नया जन्म मिलता है, नई सृष्टि बनते हैं। आज कुछ खास वचनों को मैं देखना चाहता हूँ, मसीह में आपका जीवन, मसीह में आपका जीवन को आपको देखना चाहिए, मसीह में अपने आपको देखना है, मसीह में अपने भाइयों को भी देखना है, मसीह में देखना है। लोग हमेशा अपने चश्मा से देखते हैं, अपने चश्मा लगा के देखेंगे, अपना जाति का चश्मा, अपना गांव का चश्मा, अपना जो रूप रंग उस ढंग से देखेंगे, मैं गोरी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ, वो लोग सब बेकार है, मैं आज ऊंची जाति के लोग नीची जाति के हैं, लोग अलग अलग दायिक विचार रखेंगे। लेकिन जब हम मसीह में आ गए हैं, मसीह के अंदर से ही जानना चाहिए, मसीह के अंदर ही सब चीज़ का अर्थ हमें मिलेगा, हमारे जीवन का मकसद है मसीह में पाएंगे, मसीह में पाएंगे, मसीह में शांति है, मसीह में आनंद है, यीशु मसीह में उद्धार है। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, जो प्रेम आपको मिल रहा है इस गूगल मीट के द्वारा भी, परमेश्वर का प्रेम मसीह में मिल रहा है, मसीह में आप आ गए हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम मसीह में है। जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो नई सृष्टि है, मसीह में आने से ही हम लोग स्वीकार के मसीह के लहू के द्वारा, इफिस में लिख रहे हैं, उसके लहू के द्वारा हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, मसीह में एक्सेप्टेड इन द बिलवन, मसीह में हमें स्वीकार किया है, मसीह में हमें सारे आशीष दिया है। तो मेरे बच्चे लोग, ऐसे ऐसे वचन आपको बताते जाऊंगा, आप लिख के रख सकते हो, बोलना नहीं है, लेकिन याद रखना, मसीहत जीवन केवल एक रीति रिवाज नहीं है, एक धर्म जैसे नहीं है, एक केवल एक समाज भी नहीं है, समाज तो ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है। हमारे में विश्व की किताब में इन दिनों में विपुल भाई भी आप लोगों को वचन बता रहे हैं, मैं भी कुछ वचनों को बोलूँगा। इस किताब में मसीह में काफ़ी बार आप देख सकते हो, मसीह में आपको जो भी आशीष ढूंढ रहे हो, चंगाई को ढूंढ रहे हो, छुटकारा को ढूंढ रहे हो, पवित्र जीवन को पाना चाहते हो, शांतिमय जीवन पाना चाहते हो, इधर फ़ोन करेंगे, उधर फ़ोन करेंगे,
वहाँ से मिलेगा, दिल्ली से मिलेगा, चेन्नई से मिलेगा, नहीं मसीह में मिलेगा। मसीह में आपको मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। मसीह में अनुग्रह मिल रहा है, मसीह में शांति मिल रहा है। सबसे पहले हमेशा हमारा विपुल भाई बोलते शालोम शालोम। शालोम का मतलब क्या है? पूर्ण शांति और चंगाई है। शरीर प्राण आत्मा में पूर्ण शांति और चंगाई मसीह में है। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें शांति और अनुग्रह मिलती रहे। मिला हुआ है, आपका अनुग्रह मिला है। प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह है, अनुग्रह प्रभु दिए हैं। लायक नहीं है, योग्य नहीं है, परमेश्वर हमें लायक बनाया यीशु मसीह के लहू से। अनुग्रह का संदेश हम दिए हैं, प्रेम के संदेश दिए हैं। हमें प्रेम मिल गया है, यीशु मिल गया है, मुझे जीवन मिल गया, मुझे शांति मिल गया, अनुग्रह मिल गया, सब कुछ मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह। सुबह का समय में मेरे सुनने वाले मेरे सारे भाई बहन बच्चों लोग, इस वचन को याद रखिए, मसीह में मैं रहता हूँ, मसीह में मैं सुरक्षित हूँ। कभी कभी लोग आएंगे, नया लोग, पास्टर जी हमारा जान का क्या ठिकाना है, हमारा परिवार का क्या ठिकाना है, हमारा नौकरी का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या ठिकाना है। मैं बोलता हूँ मसीह में रहना, उसके स्कूल में रहना, उसके चर्च में रहना, उसके संगति में रहना। मसीह के अंदर सारे आशीष, मसीह के बाहर सारे श्राप, सारे बीमारी, सारे परेशानी। मसीह के बाहर में सब कुछ अंधेरा है, मसीह के अंदर ज्योति है। जो ज्योति में चलता है वो मसीह में रहता है, ज्योति में रहेगा। मसीह में रहेंगे, ज्योति में रहेंगे, हमको दिखेगा हमारा गलती, हमको दिखेगा दूसरा का भी समस्या, हमको दिखेगा। हम अंधेरा में रहेंगे, दिखेगा नहीं। मसीह में आ जाना, अब मसीह में है, पहले नया जन्म का आप लोगों के जीवन में पक्का करना है। कुछ लोग चर्च में आते हैं 10 साल 15 साल, उद्धार पाए बगैर भी रह जाते हैं। उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे बातें बोलने से भी उनके लिए काम नहीं करता है, फिर बोलते हैं सब झूठापन है, ऐसे ये लोग बोलते रहते हैं। नहीं, ये सारे जो चीज़ हम बोल रहे हैं मसीह में आपके लिए लागू होगी। मसीह के अंदर आपका जीवन में कार्य करेगा, मसीह में ही आपके जीवन में आप कार्य को अनुभव कर सकते। मसीह में अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज केवल आज नहीं, रोज़ मिलता रहेगा। मैं प्रचार कर रहा हूँ इसलिए नहीं, आपके लिए है वही मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं प्रचार करने से नहीं मिल गया, प्रभु का प्रेम आपको फ्री में मिल रहा है। अनुग्रह यीशु मसीह में है। और लिख रहे हमारा प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष, आत्मिक आशीष दी है। सारे आशीष से उसने आशीष दिया, एफिसियों को 1:2-3 मैंने पढ़ा, आशीष मिल गया है। आप बोलते प्रभु आशीष दो, लेकिन आप समझ लेना चाहिए यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दिया है, आशीष के वारिस में बन गया हूँ, प्रभु का आशीष मुझे मिल गया है। मुझे समझना है प्रभु मुझे प्रेम कर रहे हैं, प्रभु मुझे आशीष दे दिया, यीशु मसीह में है, उस कमरा में है, उस इलाका में है, उस जगह पर है, मसीह में आपको सारे आशीष मिलेगा। आत्मिक आशीष बता रहे, मतलब आशीष सब आपके आत्मा में, पवित्र आत्मा आपके आत्मा में सारे आशीष को दे रहे। आत्मिक मंडल में आशीष कर दिए हैं, आत्मिक मंडल में है,
और सारे आशीष भरा पड़ा है, आपके लिए कुछ भी कमी नहीं रहेगा। मेरे बच्चे लोग समझ लेना, दुनिया में लोगों को पता नहीं, आशीष को पाने के लिए लोग तड़पते हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं आशीष यीशु मसीह में है। लोग बोलेंगे यीशु नहीं चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिए, आत्मा में दिए, चंगाई को दिए हैं, प्रेम को दिए हैं। परमेश्वर आज मेरे बच्चे लोग एक एक वचन को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से नोट कर लेना, घर पे जाके पढ़ लेना। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिए हैं, सब प्रकार के आशीष हैं। सबसे पहले उद्धार का अनुभव। कुछ लोगों को मैं पूछता हूँ, आप उद्धार पाया कि नहीं, नए सिरे से जन्म हुए कि नहीं, पाप से मन फिराया कि नहीं। बोलेगा मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं अन्य भाषा भी बोल रहा हूँ, मुझे चंगाई हुआ है, इस ढंग से लोग बोलते हैं। लेकिन कभी भी उनके मन में ये निश्चय नहीं होता है मैंने उद्धार पा लिया है। उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है। मैंने यीशु मसीह का वचन बताया, नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, यूहन्ना 3 में यीशु ने कहा स्वर्ग राज्य को नहीं देखोगे। आत्मा से जल से जन्म नहीं होंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो नए सिरे से जन्म लेना, उद्धार के अनुभव को पक्का करना है। तो वो कैसे होते, यीशु मसीह में ही होता है। यीशु मसीह के पास आओ, मेरे पापों को माफ़ करो प्रभु, तेरे लहू से साफ करो, मुझे शुद्ध करो, पवित्र करो, मैं पापी मनुष्य हूँ लेकिन मेरे पापों को क्षमा करो। एक क्षण पर, एक मिनट पर आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, मसीह में आपको रख देगा, मसीह में आपको रखेंगे, आपके ऊपर अभिषेक आएगा। परमेश्वर आपको सब प्रकार के आशीष देना चाहते हैं। लिखते हैं जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है, उसमें चुन लिया, ये भी आपको समझना चाहिए। वो भी मसीह में चुन लिया है। आप ये जाति वाला है, ये गांव वाला है, ये शहर वाला, ये पढ़ा लिखा, इसलिए नहीं, मसीह में चुनौती हो गई। मसीह में जो भी आएगा, मसीह के अंदर रहेगा, उसको परमेश्वर चुन लिया है। पुराना जमाने में कुछ लोगों के अंदर वाद विवाद होते थे, वो लोग बोलते थे अरे भाई ऐसा नहीं, सब लोग नहीं आएंगे, किसको परमेश्वर चुन लिया वही आएगा। इस ढंग से लोग किसी किसी को मना कर देते थे, तुमको प्रभु चुना है कि नहीं मालूम नहीं हमको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप मसीह यीशु में आ जाते हो, यीशु मसीह में आप रहते हो, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई बातों को नहीं मानते हो, यीशु में ही रहते हो, समझ लेना आपको प्रभु चुन लिया है, चुन लिया। भले कलीसिया वाला चुने, भाई बहन नहीं चुने, नहीं भी चुने, लेकिन यीशु मसीह में प्रभु ने चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है। मसीह में आपका चुनाव, आपकी बुलावट मसीह में है। मैं पास्टर बन गया ये नहीं, इसलिए नहीं, मसीह में मुझे प्रभु प्रेम कर रहे हैं। मैं प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ इसलिए नहीं, मसीह में प्रभु मुझे धर्मी देख रहे हैं, मसीह का अंदर से देख रहे हैं। मसीह के अंदर ही आपका जीवन चलना चाहिए, मसीह में, मसीह में। आज ये शब्द आपके मन में बार बार मैं बैठाना चाहता हूँ, मैं मसीह में हूँ, मसीह में प्रभु मुझे चुन लिया, मसीह में मुझे अनुग्रह दिया, शांति दिया। बोलते एफिशी कलीसिया वाले एफिशी में रहते हैं, मालूम एफिशी शहर इतना मूर्ति पूजा के लिए बहुत ही फेमस था, बहुत उसके लिए बड़ी मंदिर थे उस एफिशी शहर में, उसके लिए बहुत सारे बाहर से भी लोग आते थे पूजा पाठ करने के लिए उस एफिशी शहर के अंदर।
लेकिन उसमें भी इतना दूसरे धर्म के धुन में रहने वाले लोग, मसीहत के प्रचार को इनकार करने वाले एक शहर है, प्रभु के दास लोगों को परेशान किया ऐसा शहर है, लेकिन उसमें भी अब देखो परमेश्वर ने लोगों को अपने लिए चुन लिया। वो लोगों के अंदर भी प्रभु के लिए एक झुंड तैयार किया। फिश में रहते हैं आप, यूपी में रहते हो, लेकिन मसीह में रहते हो। हम गुजरात में रहते हैं, मसीह में रहते हैं। कुछ लोग आंध्रा में रहते हैं, अभी हेमंत भाई के मिसेस जॉइन हुए हैं, आंध्रा में रहते हैं लेकिन मसीह में रहते हैं। गूगल मीट में हम एक हो गए, एक जगह में आ गए, एक साथ मिल गए। मसीह में आने से हम सब अलग अलग जगह के लोग एक जगह पे आ जाते हैं। मसीह में हम लोग एक परिवार बन जाते हैं। मेरे बच्चों लोग, आप लोग सब मेरे लिए, कुछ लोग मेरे लिए भाई बहन होंगे, कुछ लोग मेरे लिए बेटा बेटी होंगे, इस ढंग से परिवार में आ गए। हमारा प्रभु जी हमको एक परिवार में जोड़ दिए। विश्व में रहेगा, फिलिपी कलिसिया में रहेगा, कुलसी कलिसिया में रहेगा, रोम की कलिसिया में रहेगा, लेकिन सब लोग पौलस के लिए भाई बहन थे। इस ढंग से आप लोग एक परिवार में आए हो, मसीह यीशु में आए हो। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहेगी। अनुग्रह मिलेगा जैसा गाना गाए हैं, तेरी बेकया शफकत मुझे मुफ्त में मिली है, तेरी बेलया सरहमत मुझे मुफ्त में मिली है। क्यों न गीत में गाऊं तेरे, मैं बच्चा लहू से तेरे। प्रभु के दास एक पाकिस्तान में यह इस्तेमाल करके उनका गीत है, कैसे प्रभु के अनुभव से गीत गाते हैं। आज ये हमारा गीत है, हमारा अनुभव है, हम लोग अनुभव करना चाहिए। प्रभु मैंने कुछ कर्म करके आपका अनुग्रह को कमाया नहीं, कमा भी नहीं पाऊँगा। तेरा प्रेम मुझे मुफ्त में मिली है, सेंध में मिली है, फ्री में मिली है, फ्री में मिली है। प्रभु जी आपका अनुग्रह मुझे मिला है, यीशु मसीह में अनुग्रह है। यीशु मसीह में हम रहते हैं, कहीं भी रहेंगे, यीशु मसीह में हमें चुन लिया गया। यीशु मसीह में सब आशीष दी गई। यीशु मसीह में, आज यही वचन मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। मंडे को मैं बोलूँगा मसीह में, मसीह के अंदर, हम मसीह के अंदर, मसीह हमारा अंदर, दोनों सही है, दोनों सही है। अब देखोगे एक मछली को देखो, मछली पानी के अंदर रहता है, मले में पानी के अंदर रहता है मछली, लेकिन मछली के अंदर भी पानी रहता है, पानी रहता अंदर ही, पानी रहना पड़ता है, उसके अंदर भी पानी रहता है, मछली भी पानी में रहता है। जहाज को देखते हो, जहाज पानी में रहता है, लेकिन जहाज के अंदर भी पीने के लिए पानी रखते हैं, पानी उसके अंदर भी रहता है, बाहर में पानी अंदर भी पानी। वैसे आपके मसीह जीवन, आपके अंदर मसीह है, उसके बारे में सोमवार को बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं आप मसीह के अंदर है, सुरक्षित है, आपको प्रेम मिल गया है। कोई भी प्रेम मिले नहीं भी मिले, मसीह के अंदर आपको प्रभु स्वीकार किया, चुन लिया। वो लिख रहे हैं उसके निकट, बोल रहे उसके निकट पवित्र और निर्दोष होने के लिए बुलाया है। उसके निकट मसीह में रहेंगे, मसीह की पवित्रता हमारा में लागू रहेगा। मसीह में हम पवित्र हैं, मसीह में मैं धर्मी हूँ, भले पाप किए लेकिन माफ़ी मांग लिया, मसीह में आ गया, मसीह के अंदर रह गया, हम निर्दोष और पवित्र गिना जाएंगे मसीह के अंदर। मेरे सुनने वाले मेरे बच्चों लोग, आपको आप कभी कभी दोषित मन से घूमते हो, मैंने ये गलती कर दिया, ये कर दिया, लेकिन कैसे बाहर आ सकते हैं? उसके लिए एक ही उपाय है, मसीह में आ जाना। मसीह में आपके पाप क्षमा किया जाएगा, मसीह के लहू से आपके पाप धो दिया जाएगा। मसीह में को उद्धार, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यीशु मसीह में
पापों की छुटकारा, पापों से छुटकारा, बीमारी से चंगाई, भूतों से छुटकारा, श्राप से छुटकारा। यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष। एक प्रभु के दास बड़े लिस्ट बना रहा था, बोलते 7 आइटम आपको मिलेगा उद्धार पाने से, आपका जीवन में ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन उद्धार पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। उद्धार पाने के साथ ही साथ वो सब कुछ मिलेगा, एक एक चीज़ मिलेगा आपके जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, पाप क्षमा मिलेगा, बीमारी से चंगाई मिलेगा, आर्थिक आशीष मिलेगा, आत्मिक आशीष मिलेगा, और एक रिश्ता का आशीष मिलेगा, अच्छा रिश्ता, अच्छा परिवार मिलेंगे, अच्छे खासे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और अच्छा तंदुरुस्ती मिलेगा, लंबी आयु मिलेगा। ये सब हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ मसीह में मिलेगा, मसीह में, मसीह में, मसीह में आप हक माना जाते, ये हमारा हक होता है। चंगाई से रहना मेरा हक है, शांति से रहना मेरा हक है, प्रेम से रहना मेरा हक है। मैं भीख नहीं मांगता हूँ, प्रभु से प्रार्थना भीख वाला नहीं है, हक वाला है। धीरज रख, रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। यीशु मसीह साथ है तेरा, दुश्मन तेरा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आपको विश्वास रखना है, हक मांगना है, हक मांगना। प्रभु में मैं पवित्र बन गया हूँ, प्रभु में मैं धर्मी बन गया हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह बोलते थे मेरे नाम से पिता से मांगो तुमको दे दिया जाएगा, जो भी मांगोगे मेरे नाम से पिता से मांगोगे मेरे पिता की ओर से तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगना है, यीशु मसीह में हमारा प्रार्थना उत्तर लेकर आएगा, यीशु मसीह में हम पवित्र और निर्दोष बनेंगे। लिख रहे अपनी इच्छा से उसने हमें अपने लिए पहले से ठहराया, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, लेपालक पुत्र हो। देखो यीशु मसीह में आने से परमेश्वर का संतान बन गए हैं, परमेश्वर के संतान। गलातियों की किताब में हम उसको विवरण से हम देख सकते हैं, बोलते इब्राहिम का संतान बन गए मसीह यीशु में, न नर न नारी, न ऊंचे जाति न नीचे जाति, न आदमी न औरत, न इस देश वाला उस देश वाला, न कुछ कतना रहित कतना वाला, कुछ फर्क नहीं है, सब मसीह में एक है। मसीह में इब्राहिम का संतान है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान। लिख रहे हैं हमें ले पालक पुत्र हो, उसका गोद लिए बच्चे हैं, उसके परिवार में जन्म लिए हैं, उसका जान हमारा में है। क्यों हमारे बच्चों को हम प्रेम कर रहे हैं? भले बच्चों लोग, हमारे बच्चों लोग थोड़ा गलती भी कर लेते हैं, फिर भी हम उसको छुपाना चाहते हैं, उसका हम सबके सामने खुलेंगे नहीं। हम लोग उसको भले दंड तो देंगे, लेकिन उसको अपमानित नहीं कराएंगे, उसको हम ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरे लोग बोलेंगे अरे इसको बेकार आदमी है, तो गुंडा बनेगा, तो कचरा आदमी करके लोग तुच्छ गिनेंगे, लोग इनकार करेंगे। लेकिन कभी भी मम्मी पापा लोग कभी भी अपने बच्चों को इनकार नहीं करते। आज हमारा ऊपर परमेश्वर का प्रेम इस ढंग से है, क्योंकि उनका जान हमारा में है, उसने प्राण उंडेल दिया मौत के लिए कि जीवन हमें मिले, उनका जीवन हमें बांटने के लिए उसने अपना जान दिया है, उसका जीवन हमारा में बह रहा है, उसने लहू बहाया, उस लहू में जीवन है, उस लहू को हमारे ऊपर छिड़काया, हमारे पापों को धोया, हमारे अंदर उनका जीवन आया। उस जीवन हमारे में रहने के कारण, उनका चेहरा हमारा चेहरा में रहने के कारण, उनका लहू हमारे में रहने के कारण, उनका डीएनए, उनका बीज
योहन्ना लिख रहे हैं हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर का बीज हमारे में रहता है, हम मसीह में रहते हैं, उनका बीज हमारा में है, इसलिए परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं। मसीह में आप परमेश्वर का संतान है, मसीह में चुन लिए गए, मसीह में बुलाए गए, मसीह में ग्रहण किए गए। आज अपने ओर से हम उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, कलीसिया जाना चाहिए, दशांश देना चाहिए, लेकिन हमेशा ये समझ कर करना चाहिए मैं मसीह यीशु में हूँ, मसीह के परिवार में हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो हम परिवार में रहते हैं, परिवार के लिए हम काम करते हैं, काम करने के कारण परिवार में नहीं आए, परिवार में आए इसलिए हम काम कर रहे हैं। इस ढंग से मसीह के अंदर आ गए, मसीह के परिवार में आ गए, मसीह जैसे हम काम करते रहेंगे, क्योंकि मसीह में हम हैं, पिताजी मसीह में हमें देख रहे हैं। हमारे विश्वासी लोगों को भी मसीह में देखना, अपना परिस्थिति को भी कितना भी गंभीर क्यों न हो मसीह में देखना है, एक एक वचन को मसीह में देखना। प्रभु के सेवकाई के समय में, यीशु मसीह के सेवकाई के समय में कुछ पंडित लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, जो शास्त्र का पंडित लोग थे, बड़े बड़े भाषणबाजी दे रहे थे, वो लोग कितने भी वचन जानते थे लेकिन वचन को भी वो लोग मसीह में नहीं देख रहे थे, अपना ओर से देख रहे थे, इसलिए वचन को भी घुमा फिरा के गलत अर्थ निकाल रहे थे। आज मेरे प्रियो, मसीह में आपका नया जीवन है, मसीह में ये वचन काम आएगा, मसीह में ही आपको मालूम पड़ेगा मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का बेटी हूँ, मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू छिटकाया हुआ है, मैं मसीह में हूँ। इस ढंग से आप अपने आप को देखना, भले चंगाई हुआ नहीं लेकिन विश्वास करो मेरा चंगाई आ रहा है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मुझे चंगाई मिलेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगा। धीरज रख, धीरज रख, बाट जोते रहो, प्रभु के लिए बाट जोते रहने वाले कभी भी लज्जित नहीं होंगे, कभी भी हमारा मुंह काला नहीं होगी, कभी भी हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी, तेरी आशा नहीं टूटेगी, तेरी आशा पूरी होगी। हिम्मत करो, विश्वास करो, नया जीवन पालो। मेरे बच्चे लोग, मसीह में नया जीवन है, मसीह में अनंत जीवन है, मसीह में जीवन का मकसद है, मसीह में जीवन का कारण है। मसीह में रहने से हम अलगदायक जीवन बिताते हैं, बदल जाते हैं, हमारा परिवार बदल जाता है, हमारा माहौल बदल जाते हैं, हमारा चीज़ बदल जाते हैं। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। मेरे बच्चों लोग, मेरे भाई बहन, आज विश्वास करो, मसीह में रहने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, मसीह में आने के लिए मैं विनती करता हूँ। मसीह में आपके लिए क्या क्या रखा है देखो, मसीह में मेरे लिए चुन लिया गया, मुझे चुन लिया गया, मुझे लेपालकपन के आत्मा दिया गया, मुझे अनुग्रह दिया गया, शांति दिया गया, सब प्रकार के आशीष दिया गया, मसीह में बेटा हो गया हूँ, सारे ज्ञान हमारा अंदर में परमेश्वर ने प्रकट किया है, उसने अपनी सुइच्छा के अनुसार मेरे अंदर में सब कार्य किया है। लिख रहे हैं उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के से सब इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर हमने मीरास बने, मीरास बन गए। आज मेरे बच्चों लोग, आप मीरास बन गए, मसीह में मीरास बन गए, आप विश्वास करो मसीह में संतान बन गए। यहाँ लिख रहे हैं कि विषय के पहला अध्याय से मैं वचन बता रहा हूँ, मीरास बन गए। मीरास, मीरास का मतलब मालूम होना चाहिए, मीरास किसको मिलता है,
अगर माँ बाप बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, मरने से पहले वो लोग क्या करते हैं, वो धन संपत्ति के विषय में बेटे लोगों को बोल देते हैं, मेरे बड़ा बेटे को ये मकान दूंगा, छोटा बेटा को ये मकान दूंगा, बड़ा बेटा को ये ज़मीन दूंगा, छोटा बेटे को ये ज़मीन दूंगा, बेटी को ये दूंगा, उसको ये दूंगा। इस ढंग से मीरास होते हैं, माँ बाप से मिलती है हमें, माँ बाप देते हैं। माँ बाप किसको देंगे? कोई भी रोड पे जाने वाले को नहीं देंगे, कोई पागल लोग होते वही ऐसे करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो स्वस्थ बुद्धि से रहते हैं वो लोग कभी भी अपना बेटा बेटी को धोखा नहीं देंगे, अपना जो भी धन संपत्ति होंगे अपना बेटा बेटी के देंगे। तो वैसे ही आज यीशु मसीह में अगर आप संतान बन गए, मसीह का प्रेम पालिए, आप मीरासदार बन गए, प्रभु का लिख रहे हैं वारिस बन गए, मीरास बन गए। रोमी 8 में भी बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारा आत्मा में गवाही देते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, और लिख रहे हैं हम वारिस है, मसीह के संगी वारिस है। उसके साथ दुख भी उठाते हैं, उसके साथ महिमा भी पाते हैं, उसके साथ आनंद में भी, सुखों में भी, दुखों में भी उसके साथ रहते। मसीह में रहो, दुख में भी उसमें रहो, दुख में सुख में भी उसमें रहो, मसीह में रहो। वारिस बन गए, लेपालकपन बन गए, वारिस बन गए। कभी भी आप सोचो मत मुझे मिलेगा क्या, प्रभु का प्रेम मिलेगा क्या, प्रभु का क्षमा मिलेगा क्या, प्रभु मुझे चंगाई देगा क्या, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो इतना विश्वास में मजबूत नहीं हूँ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना पैसे वाले नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर के निकट में कोई भी भेदभाव नहीं है, आपके पैसे के कारण नहीं है, आपकी सुंदरता के कारण नहीं है, आपके धन दौलत के कारण नहीं है। परमेश्वर मसीह में आपको प्रेम कर रहे हैं, मसीह में आपको स्वीकार कर रहे हैं, मसीह में आपको चुन ले रहे हैं, मसीह में वरिष्ठ आया, मीरास बनाया आपको, मीरास उसका दो जो भी धन संपत्ति है, सारे जगत की राजा है, सारे जमीन आसमान पहाड़ दरिया उसने अच्छी सी सजाया, अच्छा से बनाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, हम गीत गाते हैं। तो परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर का है, कोई भी उससे हाथों को रोक नहीं सकते, अरे तुम क्यों ले रहे हो, मसीह का है। गधा को लेने जा रहे थे चले लोग, लोग पूछ रहे अरे क्यों ले रहे हो, चले लोगों को यीशु ने बोला गुरु जी को चाहिए, प्रभु जी का है, प्रभु जी के काम में आना चाहिए, प्रभु जी का है, सब कुछ प्रभु का है, रोड पर लगा हुआ है, किसी का काम में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु जी ऐसे गधा को भी अपना लिया, प्रभु का काम में ले लिया। आज हम गधे जैसे गुमरे होंगे, कोई काम नहीं होता होगा, कोई भी हमको काम पे नहीं ले रहे होंगे, कोई भी हमको पगार नहीं दे रहे होंगे, कोई बात नहीं, अब प्रभु का मोती है, प्रभु के लिए अनमोल है, प्रभु के लिए कास है। यीशु मसीह में आप आ गए, परमपिता के निकट में नज़दीक आ गए, प्रभु का प्रेम आपको मिल गए, वारिस बन गए, लेपालक पन आत्मा मिल गए, प्रभु का प्रेम मिल गए, चुन लिए गए, सब प्रकार की आशीष यीशु मसीह में आपको सेंध मेंद दिया जा रहा है। तूने मुझे तख्त पर बिठाया, गाना गाए, मुझे बाप से मिलाया, मुझे बाप से मिलाया, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, मेरे पापों को मिटाया, धन्यवाद करो मेरे बच्चों लोग, प्रभु का वचन को सुन रहे हो, स्वीकार करो, यीशु मसीह में मैं वारिस बन गया हूँ, यीशु मसीह में लेपालकपन के आत्मा मिल गया, यीशु मसीह में मीरास बन गया, यीशु मसीह में चुन लिया गए, यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष मुझे सेंध मेंद दिया जा रहा है, परमेश्वर दे रहे हैं।
परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे बच्चों लोग आज मेरा सुन रहे हो, ज़रूर विश्वास करो। मेरे बहन लोग अच्छे से बैठना, कुछ बहन लोग पीछे आगे पीछे आते रहते हैं, अच्छे से सुनो प्रभु के वचन, तभी आपका जीवन में कार्य करेगा। अच्छे से सुनो, हालेलुया, प्रेमी वचन है, परमेश्वर का वचन है। मैं बता रहा हूँ यफशी की पहला अध्याय से, इतने कठिन समस्या को सामना कर रहे थे, लेकिन वो लोग यीशु मसीह में है, मजबूत विश्वासी बन गए, यीशु मसीह में पवित्र बन गए। बोलते यीशु मसीह में, बोलते पवित्र मसीह यीशु में विश्वासी लोगों को लिख रहा हूँ, पहला वचन में लिख रहे हैं, पवित्र लोग है। आप लोग पवित्र है, यीशु मसीह में आप पवित्र हो, यीशु मसीह में प्रेमी हो, यीशु मसीह में आप लेपालकपन का आत्मा है, यीशु मसीह में आप मीरास बन गए, यीशु मसीह में आपको परमेश्वर चुन लिए हैं। लिख रहे हैं जिन्होंने पहले से मसीह के आशा रखी थी, उसी की महिमा की स्तुति के कारण बने। हमने मसीह को आशा रखा, मसीह पर विश्वास रखे, उसकी महिमा होना चाहिए। और तेरहवा वचन पढ़ता हूँ, यफिशे के 13, और उसी में तुम पर भी अब तुमने सत्य का वचन सुना, तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। यफिशे के 1:13, सत्य का वचन, यही सत्य का वचन आप सुनते हो, उद्धार का कारण है। विश्वास करने से, यही अगर सत्य का वचन सुनने से नहीं, सत्य का वचन सुनेंगे, विश्वास करेंगे, उद्धार के कारण बनेगा। आज उद्धार पाना चाहिए, उद्धार पाया हुआ निश्चय होना चाहिए, मसीह में सत्य के वचन सुनकर विश्वास करना चाहिए। लिख रहे हैं जब उद्धार का कारण है सत्य के वचन, तुमने उसको जब विश्वास किए, और लिख रहे हैं प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से छाप लगी है, एक मोहर लगा दी, एक निशान लगा दिए, एक स्टैंप कर दिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम पवित्र आत्मा के छाप लगाए हुए, हमारे ऊपर सील कर दिए, हमको परमेश्वर सील कर दिए, पवित्र आत्मा की छाप लगा दिए, हमको शैतान छूने नहीं पाएगा, हमको चुरा नहीं पाएगा, मोहर लगा दिए। सामान को खरीदने के लिए हम जाते हैं दुकान में, कोई वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कोई स्टोव हो, लेने के लिए जाते हैं, दुकान वाला को बोलते हैं, अरे मेरा सामान है या मैंने एडवांस दे दिया हूँ, देखो 10,000 सामान है, 5,000 मैं दे दिया, इस पैकेट के ऊपर मेरा नाम लिख दो, मोहर लगा दो, सील लगा दो, नाम छाप दो। जब छाप गया, मेरा नाम छाप गया उसमें, दूसरा कोई लेने आएगा, दुकान वाला बोलेगा, अरे ये तो वो साहब ने आया था, वो अपना उसके लिए मोहर लगा दी, उसके लिए नाम चढ़ गए इसमें, उसको हम बेच नहीं पाए, आपको नहीं दे पाएंगे। इस ढंग से परमपिता ने क्या किया, जब हमने विश्वास किए, जब हम सत्य के वचन को विश्वास किए, जो उद्धार का कारण है, आपका जीवन में उद्धार के अनुभव मिल गए, आपका नाम जीवन के किताब में लिख दिए, उतना ही नहीं, आपके ऊपर पिता का नाम लिख देंगे, पवित्र आत्मा छाप लगा दिए, यीशु जी का नाम लगा दिए, यीशु जी का नाम से आप बुलाए जाएंगे, वही आपका अटक रहेगा, वही आपका सरनेम रहेगा। हमारा गुजरात में कुछ लोगों का सरनेम है क्रिश्चियन, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर व्यक्ति का हमारा वही सरनेम है, यीशु मसीह है हमारा, हमारा नाम उस नाम से जुड़े हुए हैं, उसका नाम हमको दिया गया, हमारा नाम ही मसीह लोग हैं, मतलब मसीह का नाम हमारा नाम से जुड़े हुए हैं, हम लोग मसीह में आ गए, पवित्र आत्मा का छाप लगी है, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा हमें छाप लगाता है। वो लिख रहे हैं छाप लगी है, वो हमारे लिए मीरास का बयाना है,
वो हमारा उद्धार के छुटकारा के दिन के लिए तुम्हारा मीरास कब आना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तुम्हारा छुटकारा दिन के लिए मोल लिए वो के छुटकारा के मोल लिए वे लोग खरीदे हुए लोग हैं। खरीदा तूने अपने लहू से ताकि काम में आऊँ तेरे लिए, प्रभु के दास गीत गाया है या लिख रहे हैं। उसने मोल लिए उसके मोल लिए हुए के लिए छुटकारा के लिए हमारे मीरास की बयाना है, मीरास का बयाना है, गारंटी है। जब सामान खरीदते हैं गारंटी वारंटी देते हैं, वारंटी कार्ड देते हैं, पूछते हैं भाई गारंटी कार्ड कहाँ है, वो बोलेगा 2 साल का गारंटी, 3 साल की गारंटी। लेकिन यहाँ तो 3 साल 4 साल नहीं, अनंत काल की गारंटी पवित्र आत्मा है। आपके मीरास का बयाना है, गारंटी है, अनंत काल की गारंटी। यीशु ने बोला मेरे बेड़े हैं मेरे आवाज़ सुनते हैं, यूहन्ना 10 में लिखे हैं, मेरे बेड़े मेरे पीछे आते रहते हैं, मेरे बेड़ों को मेरे हाथ से कोई चिन्ह नहीं पाएगा, मेरे पिता के हाथ से भी कोई चिन्ह नहीं पाएगा, मेरे हाथों में रहते हैं, मेरे बातों को मानते हैं, मेरे बेड़ों के ऊपर मैं अपना लहू लगाया हूँ, मेरे आत्मा की छाप लगाया हूँ, मेरे वचन से बाड़ा बांध दिया हूँ, लहू से बाड़ा बांध दिया हूँ, प्रेम से बाड़ा बांध दिया हूँ, मेरे बेड़े मेरी आवाज़ सुनते हैं। यूहन्ना 10 में यीशु मसीह बोलते हैं, और मेरे बच्चों लोग दूर से मेरे आवाज़ को सुन रहे हो, मसीह में आपके ऊपर छाप लगी जाती है, लहू की निशान लगाई जाती है, पवित्र आत्मा की निशान लगाया जाता है, आप परमेश्वर का संतान है। यही घोषणा किया जाता है, शैतान को रुकावट किया जाता है, बीमारी के लिए रुकावट रहेगा, कोई भी श्राप नहीं है, श्राप नहीं है, पाप नहीं है, बीमारी नहीं, मृत्यु दुनिया शैतान पर जय पाया है, श्राप बीमारी पापों पर जय पाया है, तूने जय पाया, हमको जय दिलाया है। इस ढंग से हम गाना गाते हैं, सारे बातों पर जय पाने वाले हमारे प्रभु जी, हमको जय देने वाले यीशु मसीह में हमको जय देता, यीशु मसीह में हमें पवित्र बनाता है, उसी में छाप लगी है। मोल लिए हुए लोगों के लिए छुटकारा का दिन के लिए मीरास का बयाना है, गारंटी है। क्या गारंटी है ब्रदर जी, मैं कैसे यीशु मसीह के आगमन में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, यही गारंटी है। पवित्र आत्मा को संभाल के रखो, विश्वास को संभाल के रखो, यीशु मसीह में अपने आप को संभाल के रखो, यीशु मसीह से बाहर नहीं आना। कुछ लोग हमारे इधर से कुछ आदमी के परिवार यूपी चले गए थे, हमारा भाई इन लोगों के साथ वो टेलीफोन में बात करती थी, मिलते थे, अभी हमको पता चला अपने गांव में गए, कोई वहाँ के कोई पूजा पाठ में भाग ले लिए है, मुझे मालूम नहीं कुछ पूजा बोलते हैं छठ पूजा ऐसे कुछ पूजा में भाग ले लें, उसके बाद से भाई इन लोगों के साथ जुड़ते नहीं। लोग यीशु मसीह से बाहर चले जाते हैं, फिर बीमारी कटकटाता है, शराब कटकटाता है, शैतान कटकटाता है, भूत पकड़ लेते हैं, इंसान को पागल जैसे बना देते हैं। हमारा इसमें कुछ अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा कंपनी भी रखा है, अभी हमने उससे उसके बारे में मुझे पता चला, कंपनी का मालिक है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन उसके अंदर घमंड का आत्मा, एक पागलपन की आत्मा, अपना ही बड़ाई करते रहते हैं, दूसरे लोग सबको तुच्छ गिनते रहते हैं और पैसा को फालतू बर्बाद करते रहते हैं। ज़रूर प्रभु को थोड़ा बहुत विश्वास किया होगा, प्रभु से आशीष पा लिया होगा, लेकिन प्रभु का पूरा पूरा समर्पण नहीं किया, ऐसे ऐसे वचनों को सुनने के लिए इनकार किया, जहाँ पर मीठे मीठे वचन बोलते हैं केवल चंगाई के बोलेंगे, पैसे के बोलेंगे, पवित्र जीवन की बात ही नहीं करेंगे, नम्रता की बात ही नहीं करेंगे, पश्चाताप करने की बात ही नहीं करेंगे, पापों को छोड़ने के लिए बात ही नहीं करेंगे, पाप करते रहने से भी प्रभु माफ़ करते रहेंगे, इस ढंग से गलत चीज़ सिखाते रहेंगे, वैसे लोगों को आदमी सुनता है। देखो आप किसको सुनते हो, ध्यान से रखना, ऐसे लोगों को सुनते रहोगे
दिल कड़क हो जाएगा, पाप करने के लिए ज़रा से भी डर नहीं रहेगा, हिम्मत से पाप करते रहेंगे। लेकिन हम प्रभु का भाई मानने वाले लोग हैं, हम लोग प्रभु का प्रेम कर रहे हैं इसलिए कि प्रभु हमें प्रेम दिया है, उसने हमें प्रेम दिया है। प्रेम करने बगैर हम कैसे रहेंगे? क्यों न गीत में गाऊं मैं बच्चा लहू से तेरे, मैं प्रेम क्यों नहीं करूं? तूने अनोखा प्रेम किया है, जीवन दिया तूने मेरे खातिर, क्या प्यार अपरंपार। मिल जाए चाहे सारा संसार, इस प्रेम का कोई तुलना नहीं है, इस प्रेम का तुलना नहीं मेरे बच्चों लोग। आज ये जो वचन मैं बता रहा हूँ मसीह यीशु में, काफ़ी वचन है, पूरा एफेसियों की किताब में वचन पढ़ते रहोगे, मसीह में करीबन 20-25 वचन मिलेगा। कुलुसी में भी, फिलिपियों में भी, मसीह में, फिलिपियों को 2 का पहला वचन में बोल रहे मसीह में आपके लिए शांति है, दया है, अनुग्रह है, प्रेम है, तरस है, अच्छे स्वभाव है। तो इसलिए आप एक दूसरे के संग एकता में रहो मसीह में। अन्य जाति के लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, वो लोगों के अंदर एकता नहीं आ पाते, लड़ा झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन हम लोग मसीह में हैं, मसीह में हमारे लिए प्रेम मिल गया, शांति मिल गया, एकता पाने के लिए एक ही विचार मिल गए। जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, हमारे अंदर एक ही विचार है, एकता को लाते हैं। मैं एक बोलूँगा तुम दूसरे बोलेंगे, एकता नहीं आएगा। एक जैसे सोचने के लिए मसीह का मन हमारा में है, मन मसीह का मुझ में है, उसकी कुदरत मुझ में है। बनता हूँ मसीह जैसे, बढ़ता हूँ मसीह समान, बढ़ता हूँ दिन प्रतिदिन मसीह समान। इस ढंग से गीत गाते हैं, ऐसे से गीत, हमारा किताब आपको मिलेगा जल्दी से। लेकिन अभी जितना भी गाना आपको चाहिए जरक्स ले लो, लेकिन गाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे से गीत का हम महत्व समझते, मसीह में, यीशु मसीह में अनंत जीवन है, यीशु मसीह में चंगाई है। आप एक दूसरे को शारीरिक तौर से नहीं देखना, मसीह में देखना। मेरा एक प्रिय बहन है, उसका बेटा थोड़ा बदमाश है, बात नहीं मानता है, हमेशा मेरे पास रोती है, पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरा बेटा क्या गुंडा बनेगा, क्या ऐसे ऐसे गलत काम करता है, मुझे बहुत दुख होता है, मैं क्या करूं। मैं बोला देखो बहन, जैसे तुमको और मुझे परमेश्वर ने चुन लिया, वही परमेश्वर उसको भी चुन लिया, माँ के गर्भ से चुन लिया, दुनिया उत्पन्न होने से पहले चुन लिया। आज उसके अंदर तुम पुराना मनुष्य को देख रहे हो, गुंडागिरी को देख रहे हो, गलत चीज़ को देख रहे हो, लेकिन आप उसको मसीह में देखना, मसीह में देखना शुरू करो। मेरे बेटा मसीह में है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, बाइबल में लिखा है, तुम विश्वास करोगे तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। शिष्य जी को मैं सिखाया, वो शिष्य जी विश्वास किया, अपना बेटे को भले गलती पाया जाता है, उसके अंदर गलती काम डांटना भी पड़ता है, वो भी हमें करना पड़ता है, लेकिन ज़रूर वो शिष्य जी उसको मसीह में देखने लगा, मेरा बेटा मसीह का सेवक बनेगा, प्रभु का गीत गाएगा, प्रभु की बातों को मानेगा, प्रभु में रहेगा, प्रभु की सेवा करेगा, मसीह में देखना। ऐसे जो अगर किसी का पति है, पत्नी है, बेटे लोग हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास की आंखों से उनको मसीह में देखना, मेरे पति मसीह में आएगा, मेरे बेटे मसीह में रहेगा, नई सृष्टि बनेगा, नई सृष्टि मसीह में, नई सृष्टि, पुराना बातें बीत जाएगा, प्रेमी इंसान बनेगा, नम्र इंसान बनेगा, लोगों से अच्छा व्यवहार रखेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, अपना पत्नी को त्याग देकर दूसरे औरत के पीछे नहीं जाएगा, पत्नी को सच्चाई प्रेम करेगा।
मसीशों में इंसान बदल जाते हैं। आपके रिश्तेदार जिसको आप चाहते हो, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, यह प्रार्थना न करो प्रभु उसको दंड दो, ये मत बोलना। आप बोलना प्रभु आप उसको मसीह में लेके आना, उसके अंदर विश्वास आए, उद्धार के कारण सुसमाचार के वचन उसके हृदय में बोया जाए, ताकि विश्वास करके उद्धार पाए, नया जन्म पाए, बेटा बेटी बने, वारिस बने, लेपालकपन का आत्मा मिले, स्वर्ग में नाम लिखें, कलीसिया में जुड़ जाए, आत्मा से भर जाए, नई सृष्टि बन जाए। यही आपको प्रार्थना करना चाहिए। मसीह में उसको देखो, विश्वास करो, ज़रूर मेरे पति बदल जाएगा, ज़रूर मेरा बेटा बदल जाएगा, ज़रूर मेरे परिस्थिति बदल जाएगा। मसीह में देखना। मले में कुछ लोग समस्या को बड़ा चढ़ा के देखते हैं। जब दाऊद देख रहा था गोलियत को मले में, उसके पहले शाऊल, उसकी सेना में कितने भी लोग हैं, गोलियत को देख रहे थे, अरे गोलियत बड़ा आदमी है, गोलियत शूरवीर है, ताकतवर है, हथियार पहने हुए हैं, बहुत बॉडी है उसका, बहुत वजन है वाला है, बहुत हाइट वाला है, बोलते 9 फुट का हाइट है उसका, इतना हाइट वाला है, इतना ताकतवर है, इतना बोलते इतना 50 किलो का उसका हथियार का वजन है, हम लोग तो उठा भी नहीं पाएंगे। वो उठा करके ढाल ले करके तलवार को अपने म्यान में ढांगते हुए ठंगा हुआ है, ललकार रहा, जय जयकार कर रहा, तुम इसराइली लोग क्या करोगे, हम लोगों से तुम लोग लड़ नहीं पाओगे, हमारा बड़ा दानव है हमारा पास इतना बड़ा राक्षस है, इसको तुम लोग गिरा नहीं पाओगे। देखते हुए सब लोग भागा चला गया, सब लोग भाग गए, शाऊल भी डर गए, शाऊल के सेना में सब जवान लोग योद्धा लोग डर गए, लेकिन दाऊद देखो जवान लड़का 15-16 इतना ही लड़का होगा, इतना ही उम्र का होगा, लेकिन परमेश्वर में अपना आपको रख दिया, मैं मसीह में हूँ, मैं परमेश्वर में हूँ, मैं प्रभु में हूँ, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरा उद्धार है, प्रभु मेरा उज्जाला है, प्रभु मेरी ज्योति, प्रभु मेरा ताकत है। इस ढंग से प्रभु में अपना आपको देखा, और जो गोलियत उसको बड़ा दिख रहा था, लेकिन प्रभु की आंखों से उसने देखने लगा, एकदम छोटा पत्थर से भी गिरने वाला छोटा चींटी जैसे उसको दिखाई पड़ा, हाथी जैसे आदमी प्रभु के नज़रों से आप देखोगे चींटी जैसे लगेगा, आराम से उसको मार सकते हैं। दाऊद इस तरह से देख रहा था। प्रभु में देखना, समस्या को प्रभु में देखो, मसीह में, अपना बेटा बेटी को मसीह में देखो, अपने कलीसिया को मसीह में देखो, अपने परिवार को मसीह में देखो, अपने आप को मसीह में देखो, मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में, अच्छी तरह आज वचन लिखना, मुझे मसीह में देखना, अपने आप को भी, परिवार वालों को भी, कलीसिया को भी, जो भी मसीह के अंदर से मुझे देखना है, मसीह के अंदर से देखो, मसीह के आंखों से देखो। मसीह के आंखों से देख रहा था, आत्मिक आंखों से देखा, गोलियत तो उसके सामने छोटा टुकड़ा दिख रहा था, आराम से एक छोटा पत्थर से उसने उसको गिरा दिया है। बोलते थे तुम तलवार लेकर आए हो, मैं तो यीशु का नाम लेकर आ रहा हूँ, यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है, शहरपना यीशु का नाम, धर्मी उसमें जाकर शरण स्थान पाता है, नीति वचन 18 में वचन पढ़ते हैं, उसमें उस नाम के अंदर छुप जाओ, यीशु मसीह में छुप जाओ, हिम्मत आएगा आपको शैतान से लड़ने के लिए। कोई लोग शहरपना में नहीं रहते हुए, यीशु में नहीं रहते हुए, उस वचन में नहीं रहते हुए, उस लहू के अंदर नहीं रहते हुए लड़ाई का जगह पे जाकर मार खाते हैं। लेकिन आज मैं आपको अच्छा संदेश दे रहा हूँ, लड़ाई करना चाहिए ज़रूर, लेकिन यीशु मसीह में रह करके, यीशु मसीह में अपने आप को कवर करके, उस नाम के अंदर, उस लहू के अंदर, यीशु मसीह के उपस्थिति के अंदर, उसका प्रेम के अंदर, उसके कलीसिया के अंदर, उसके संगति के अंदर, उसके आत्मा के अंदर अपने आप को रखते हुए
शैतान से लड़ सकते हो। आज सुबह मेरे बेटे से बात कर रहे थे, मैंने बोला हमारा विरोध में कोई भी हथियार सफल नहीं होगी। ज़रूर काफ़ी सारे हथियार शैतान इस्तेमाल किया, जब से हम युद्ध काम करके आए शैतान बहुत कोशिश किया, इसको तंग करें, उसको परेशान करें, उसको मारें, इसको ये करें वो करें, हमारा मेरे यूपी जाने का भी रुकावट आ गया। लेकिन परमेश्वर कभी भी हरावट नहीं है, प्रभु का कभी भी हरावट नहीं है, हम कभी कभी हरावट नहीं है। भले मैं यूपी में जा नहीं पाया लेकिन परमेश्वर वचन को यूपी तक पहुंचाया, यूपी में एक जगह में नहीं सब जगह में पहुंचा रहे। अगर मैं वहां जाता भीमपुरा में वहीं पर जाता, लेकिन अभी तो वचन चारों तरफ फैल गया है, आंध्रा में भी चला गया, वहाँ से कितने भी लोग जुड़े हुए मेरे साथ, मेरे प्यारे बच्चे लोग, सबको मैं प्रभु का प्रेम आनंद मिलते रहे, सब लोग प्रभु में मजबूत रहना, प्रभु में रहोगे मजबूत रहोगे। दाऊद प्रभु में मसीह के अंदर रहते हुए हिम्मत से बोल रहे, तुम गोलियत क्या कर लोगे मुझे, मैं प्रभु का नाम लेकर आ रहा हूँ। प्रभु के नाम से गया, छोटा से पत्थर से गोलियत को गिराया और गोलियत का ही तलवार लेके गोलियत को मारा। आज आपके पास तलवार नहीं होगी लेकिन परमेश्वर शत्रु के बातों से ही शत्रु को गिराने वाले, हमारा शत्रु लोग उनका ही बातों में वो लोग गिर पड़ेंगे। हमको प्रभु हिम्मत देगा, ताकत देगा, प्रभु का ताकत, प्रभु का प्रेम हमारा में रहेगा, सारी ज़रूरत की पूरी करेंगे। हालेलुया। तो इस ढंग से समझ लीजिए, जो कोई मसीह में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यही आज समझना चाहिए, मसीह यीशु में, मसीह यीशु में नया जीवन है, मसीह यीशु में उद्धार है। कोलोसियों की किताब में लिखा, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम गीत गाने वाले हैं, जो कोई व्यक्ति मसीह में है नई सृष्टि है, पावर पॉइंट का 702 नंबर का गीत है, जो कोई मसीह में है 702 गीत गाएंगे। मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पिता के साथ मेल मिलाप हो गए हैं, हमारा पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह होकर के पिता से हमको जोड़ दिए हैं। जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। सब मिलके गाना चाहिए, नई सृष्टि में नई सृष्टि, यीशु मसीह में नई सृष्टि। गीत का पिक्चर यहाँ दिख रहा है, विपुल भाई 702 नंबर का गीत है हमारा नया किताब में, हमारा साथ गाना, नई सृष्टि में नई सृष्टि, यीशु मसीह में नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा देता गवाही मैं संतान प्रभु का, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में देता गवाही मैं संतान प्रभु का, संतान है तो वारिस भी है, मसीह के संगी वारिस है, संतान है तो वारिस भी है, मसीह के संगी वारिस है। नई सृष्टि में नई सृष्टि,
यीशु मसीह में नई सृष्टि में नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई हो गई पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई हो गई मसीह के साथ मैं क्रूसित हुआ हूँ अब और मैं नहीं जीवित रहा मसीह के साथ मैं क्रूसित हुआ हूँ अब और मैं नहीं जीवित रहा पर मसीह मुझ में जीवित है उसके विश्वास से मैं जीवित हो पर मसीह मुझ में जीवित है उसके विश्वास से मैं जीवित हो नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि में नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई हो गई पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई हो गई हमारे लिए पाप ठहराया हम उसी में होकर धर्मी बन जाएं मसीह में मैं धर्मी हूँ मसीह में मैं पवित्र हूँ मसीह में मैं प्रेमी हूँ मसीह में मैं बलवान हूँ मसीह में मैं शुद्ध हूँ मसीह में मैं स्वर्गीय हूँ मसीह में मैं पिता का बेटा हूँ बेटी हूँ मसीह में मेल कराया पिता के साथ मेल का संदेश मुझे दिया मेरे लिए मसीह पाप ठहराया कि उसी में हो कर मैं धर्मी बन जाऊँ मेरे लिए मसीह पाप ठहराया कि उसी में हो कर मैं धर्मी बन जाऊँ मेल कराया पिता के साथ मुझे मेल का संदेश दिया मुझे मेल कराया पिता के साथ मुझे मेल का संदेश दिया मुझे नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि में नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई हो गई पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई हो गई मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता बोलते हैं मसीह में हम सबको देखते हैं किसी को हम शारीरिक तौर से नहीं देखते हैं गुंडा जैसे लगते हैं लेकिन मसीह का प्रेम से हम उसको प्रेमी देखते हैं कोई है वो उड़ाव पुत्र को पिताजी प्रेम से देखा प्रेम से गले लगाया आज मसीह का प्रेम से सेवा करना मसीह का प्रेम से लोगों को देखना मसीह का प्रेम में लोगों को जोड़ना लोगों को भगाना नहीं लोगों को इनकार नहीं करना लोगों को तिरस्कार नहीं करना इनकार नहीं करना स्वीकार करना मसीह का प्रेम मुझे विवश कर दे ताकि जब मसीह मारा तो हम सभी मारे मसीह का प्रेम मुझे विवश कर दे ताकि जब मसीह मारा तो हम सभी मारे सबके लिए मारा जिंदा भी हुआ उसके लिए आगे जीऊंगा मैं सबके लिए मारा जिंदा भी हुआ उसके लिए आगे जीऊंगा मैं नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि में नई सृष्टि यीशु मसीह में नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई है देखो वे सब नई
हो गई, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नहीं हो गई। जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, जो कोई व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। नई सृष्टि यीशु मसीह में, नई सृष्टि यीशु मसीह में, नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया हालेलुया। मेरे बच्चा लोग, अपने आपको मसीह में देखना, मसीह का प्रेम में देखना, मसीह के साथ देखना। मसीह के साथ मैं क्रूसित हो गया, मसीह में मैं पाप के लिए मर गया, मसीह में मैं कब्रस्तान में रख गया, मसीह में मैं जी उठ गया, मसीह में मैं नया जन्म पाया, मसीह में मैं जिंदा हो गया, मसीह में मैं स्वर्गस्थान में बैठा गया। काफ़ी सारे चीज़ विभिष्य के दो में वो सब विपुल भाई समझाएंगे। मसीह में आप पाप के लिए मर गया, मसीह में दुनिया के लिए भी मर गया, व्यवस्था के लिए मर गया, खुद के लिए भी मर गया। मसीह में ये सब बड़ी सब्जेक्ट है, एक घंटा में नहीं, एक दिन में भी नहीं समझा पाएंगे। ज़िंदगी भर हम समझने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको टेस्ट दिया, समझाया थोड़ा बहुत, आगे भी समझाएंगे। मसीह में मैं क्रूसित हो गया, पाप के लिए, दुनिया के लिए, मोह माया के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मर गया। मैं मर गया, जीवूंगी मसीह के लिए, जीवूंगा मसीह के लिए, जीना और मरना मसीह के लिए। मसीह के साथ मर गया, मसीह के साथ जीव उठ गया, मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में बिठाया गया, मसीह के साथ जीवन बिताऊंगा। इस ढंग से आप रहोगे शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। मसीह के साथ, मसीह के जीवन मेरे अंदर बह रहा है, आपके अंदर बह रहा है, इसलिए हम एक ही परिवार के हैं। हमारा अंदर भेदभाव हो सकते हैं, अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन हम सबके अंदर मसीह का स्वभाव है, मसीह का प्रेम है। मेरे लिए मसीह पाप टहराया, मैं धर्मी बन गया, मेरे बीमारी ले लिया इसलिए मैं चंगा हो गया, मेरे श्राप ले लिया मसीह में मैं आशीषित हो गया, मसीह में मेरे श्राप हट गए। मसीह में रहते हो मेरे बच्चे लोग, श्राप है करके स्वीकार मत करो, मेरे ऊपर श्राप नहीं, मेरे ऊपर आशीष है, मेरे अंदर आशीष है। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज मेरे बच्चे लोगों के लिए, जो अच्छा वचन देने के लिए आपने मुझे मदद किया। हम लोग मसीह में हैं, मसीह में हम नई सृष्टि है, मसीह में नया जीवन है, मसीह में हमें स्वीकार किया है। मसीह के अंदर हम अपने आप को देखें, हमारा भाई बहन को भी देखें, हमारा समस्या को भी मसीह के अंदर रहते हुए हम हिम्मत से देखें, शैतान को बढ़ाने देखें, समस्या को बढ़ाना देखें। मसीह में रहते हुए, मसीह की परिवार में रहते हुए, मसीह की कलीसिया में रहते हुए, मसीह का प्रेम में रहते हुए, और समस्या को हिम्मत से सामना करने के लिए मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कर प्रभु जी। मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, मसीह में मेल मिलाप हो गया है, पिता के साथ बाप से मिलाया, तख्त पर बिठाया, मुझे बाप से मिलाया, पाप से छुड़ाया, बाप से मिलाया, स्वर्ग पिता से मुझे मेल मिलाप हो गया। इस ढंग से ये लोग जानने के लिए, समझने के लिए, जो भी वचन मैं बांट रहा हूँ, इन लोगों के मन में समझ बुद्धि आए, उसको विश्वास करें, अपना आपको मसीह में देखें, अपने भाई बहनों को भी मसीह में देखें, कलीसिया को भी मसीह में देखें, प्रेम में देखें,
शांति में देखें, चंगाई से रहें, शांति को पाए। भाई बहन बच्चों के सुबह के समय में मैं आशीष देता हूँ, तेरे आशीष इनके ऊपर रहने दे, बढ़ने दे, बहने दे, दूसरे के पास भी पहुँचने दे। आशीष की सोता आपने हमें खुल दिया है, आशीष की बारिश आपने हमें दे दिया है। आपके हाथों में अरे को समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन।